Hey, what's up everyone? Welcome back to our YouTube channel AutoVerse. So, आज हैं हम लोगों के सामने Pulsar N160, जैसा कि आप देख सकते हैं. एंड ये अभी नई नई तुरंत ही डिलीवर्ड बाइक है, ये तुरंत अभी लिया है दोस्त ने. एंड आज भी इस गाड़ी पे अभी बाकी हेलमेट वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग गए थे लेने के लिए. सो मैंने सोचा कि यही सही टाइम है कि इसका एक प्रॉपर वॉक अराउंड एंड एग्जॉस्ट नोट आपके लिए बना के मैं अपलोड करूँ इस चैनल पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता दूँ, ये गाड़ी 160 सीसी है जो कि प्रोड्यूस करती है 15 BHP एंड 14 Nm का टॉर्क आपको इस गाड़ी में मिल जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं आपको सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करूँ तो आप डुअल चैनल ABS आपको मिल जाता है एंड फ्रंट डिस्क रोटर्स आप देख सकते हैं. अगर कोई नॉर्मल इंसान ऐसे आपका फ्रंट व्हील देखेगा ना तो उसको लगेगा कि हाँ, जैसे पल्सर NS200 में था या फिर RS200 में था. तो मतलब इसका डिस्क साइज काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो इसके कॉम्पिटिटर्स आते हैं, आपकी अपाचे हो गई, जो अपाचे अभी आपकी आ रही है ना 160, उसका भी डिस्क जो आपका रोटर है वो बहुत छोटा है. इनफैक्ट जब बाइक ये हम लोग लेने भी गए थे ना तो अपाचे भी थी कंसिडरेशन में, बिकॉज दैट वॉज द अनदर ऑप्शन. ठीक है, सो उसका भी डिस्क रोटर काफ़ी छोटा है. एंड उसमें आपको कंबाइंड ABS नहीं मिल रहा था, इसमें आपको डुअल चैनल उसमें आपको डुअल चैनल ABS नहीं था, इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है. एंड फ्रंट लुक्स की बात करें तो आपको ये मिल जाते हैं आपके पायलट लैम्प्स. आफ्टर दैट दिस इज़ द सिंगल प्रोजेक्टर, आपको हेडलैम्प मिल जाता है. ये बोथ दोनों चीज़ के लिए यही एकलौता फंक्शन है, मतलब हाई बीम लो बीम के लिए सिंगल प्रोजेक्टर. एंड दिस इज़ द नंबर प्लेट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपके जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स आपको हेलोजन मिल जाते हैं दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों आपको इंडिकेटर्स आपको हेलोजन ही मिलेंगे. दीज आर द नॉर्मल फॉक्स जो आपके सस्पेंशन फॉक्स होते हैं. ये भी आपके अच्छे खासे, मतलब इनकी भी थिकनेस अच्छी है. मतलब अब मैं अगर सस्पेंशन का फीडबैक बताऊं, सस्पेंशन का फीडबैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इधर से आते तो यहाँ पे आपके लेग गार्ड हो गए, ये आपका हॉर्न हो गया. आफ्टर दैट दिस इज़ द इंजन, जो मैं आपसे कह रहा था GTSI ट्विन स्पार्क इंजन. एंड ट्विन स्पार्क का देखिए मैं आपको सबसे पहले फ़ायदा बताता हूँ. ट्विन स्पार्क स्पेशली जो बजाज वालों ने निकाला था वो था इनका माइलेज इंप्रूव करने के लिए. एंड आफ्टर दैट जो एक फ्यूल का इग्निशन होता है, फ्यूल का इग्निशन तेज़ करने के लिए इन्होंने ट्विन स्पार्क. एंड आफ्टर दैट NS200 जब आई थी, पल्सर NS200, उसमें इन्होंने ट्रिपल स्पार्क इंजन निकाला था ताकि फ्यूल का इग्निशन बेटर हो पाए. इग्निशन बेटर होगा, अच्छे से फ्यूल बर्न होगा तो माइलेज भी अच्छा होगा एंड पावर भी अच्छी मिलेगी. सो ये था मेन रीज़न. आपको स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं इस बाइक में. एंड स्प्लिट सीट्स पे भी आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं, पल्सर बैजिंग आपको मिल जाएगी. एंड आफ्टर दैट ये आपकी N160 की बैजिंग. एंड दिस इज़ द रियर डिस्क ब्रेक फ्लूड रिजर्वायर. ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये बाहर ही मिल रहा है. आप यहाँ से ही, मतलब सिर्फ दो नट हैं, खोल के आप आराम से इसको रिफिल करा सकते हो जब भी आपका ख़त्म होगा. एंड दिस इज़ द ब्रेक पेडल. ये आपका जो मिडिल स्टैंड होता है, मिडिल स्टैंड भी आपको इस बाइक मिल जाएगा. एग्जॉस्ट, ये आपका अंडरबेली एग्जॉस्ट है. एग्जॉस्ट नोट अभी मैं आपको सुनाता हूँ. काफ़ी बेसी एग्जॉस्ट नोट है इसका, अपाचे के कंपेरिजन में एग्जॉस्ट नोट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. ठीक है, एंड विद दिस इज़ द रियर डिस्क ब्रेक ऑफ दिस बाइक. एंड दीज आर द ABS सेंसर, जो कैलिपर होता है आपका वो. एंड दिस इज़ द रियर जो आपका मडगार्ड होता है, ये मडगार्ड दिया हुआ है. एंड ये आप इसको रिमूव कर सकते हो एंड आप इसको भी रिमूव कर सकते हो. ये भी आपका ईजिली रिमूवेबल है. अगर आप नीचे से देखोगे तो ये देखिए, आप चार नट हैं, चार नट आपको रिमूव करना है. एंड ये जो आपके वायर के कनेक्शन होते हैं, वायर कनेक्शन हटाने हैं. एंड आप इसको आसानी से रिमूव कर सकते हो. ये भी रिमूवेबल है आपका, ये भी सारी गार्ड ये आपका लगा हुआ है, सारी गार्ड भी आप आसानी से रिमूव कर सकते हो. आपकी जो रियर जो आपकी टेल लाइट्स हैं, ठीक है, टेल लैम्प्स आपको LED ही मिलती हैं. ये आपके जो दोनों इंडिकेटर्स हैं वो भी हैलोजन हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको. यहाँ पे आपको जो आपको नंबर प्लेट की जो आपको लाइट मिलती है, दैट इज़ LED, वाइट LED आपको लाइट मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है. एंड दिस इज़ द एग्जैक्टली ड्राइवर व्यू जो आपको गाड़ी चलाते टाइम आपको जो कॉकपिट व्यू आता है बाइक का वो है. एंड दिस इज़ द फ्यूल टैंक, फ्यूल लिड ओपनर आपको यहाँ पे मिल जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर स्विचेस की बात करूँ तो ये है आपका पास का स्विच. एंड ये पे आपका हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है. एंड दिस इज़ फॉर इंडिकेटर्स. ओके, एंड ये आपका हॉर्न है, हॉर्न की आवाज़ आप सुन सकते हैं. आफ्टर दैट जो एक अच्छा फीचर इसमें है वो है कि आपको यहाँ पे एक USB चार्जर मिल जाता है. ठीक है, USB टाइप ए चार्जर आपको इसमें मिल जाएगा. मान लीजिए यहाँ पे अगर आप मोबाइल होल्डर लगवाते हो ना, मोबाइल आप लगाते हो तो यहाँ पे आपको शॉर्ट डेटा केबल आप ले सकते हैं. एंड USB A से आप कोई भी अपना आईफोन, एंड्रॉयड या फिर आप कोई भी फ़ोन है ना आपका, आप उसे चार्ज कर सकते हैं. एंड इस तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हेडलाइट्स की स्विच मिल जाती हैं. पायलट लैम्प्स जो हैं वो आपकी ऑलवेज ऑन रहेंगी. एंड दिस इज़ फॉर द हेडलाइट्स. एंड यहाँ पे आपका इंजन ऑन ऑफ का स्विच है. एंड दिस इज़ फॉर इंजन किल स्विच. अब आते हैं स्पीडोमीटर पे. एंड की बात करूँ तो की आपकी नॉर्मल है. ठीक है, एंड जस्ट लाइक ऑल द बाइक कीज़ में कोई भी ऐसी खास चीज़ नहीं है. दिस इज़ द स्पीडोमीटर ऑफ दिस बाइक. ओके,
यहाँ पे कौन कौन सी रीडिंग है मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका न्यूट्रल एंड ये आपका EBS हो गया एंड ये आपका इंडिकेटर्स का है, ठीक है। यहाँ पे आपका साइड स्टैंड इंडिकेटर है विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे आपकी पास की लाइट है, मतलब हाई बीम की लाइट आपको मिल जाएगी। दिस इज द बैटरी इंडिकेटर, दिस इज द ऑयल फ्लूइड एंड यहाँ पे आपका जो फ्यूल पंप होता है उसका इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ये आपका फ्रंट ब्रेक ऑयल रिजर्वर आपको हो गया। आपको जो रियर व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर आपके थोड़े से ज़्यादा वाइड है, मतलब मैं सीरियसली बताऊँ तो ये कुछ ज़्यादा ही वाइड एंगल ये प्रोवाइड कराते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको 3D लोगो मिलता है पल्सर का एंड ये फेयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। इस बाइक का लुक आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपाचे 160 या फिर पल्सर N160 आपका चॉइस का है, आपको क्या लगता है कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके पहले मैं आपको पहले बताता हूँ टायर प्रोफाइल का। तो फ्रंट टायर जो आपको इस बाइक में मिलता है, फ्रंट टायर आपको 100 सेक्शन का मिलता है, ठीक है। एंड जो रियर सेक्शन जो आपके टायर हैं वो है 130 का, ठीक है। 130 सेक्शन आपको रियर टायर मिलता है। अब आते हैं एग्जॉस्ट नोट पे। सो ये है इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। अगर फ्यूल इंजेक्शन का जो कट होता है उसकी आवाज़ सुननी आपको, दिस इज द एग्जैक्ट साउंड ऑफ पल्सर N160। सो या रिव्यू को यहीं पे एंड करते हैं। ड्राइव रिव्यू यार बहुत ही जल्दी आने वाला है, मतलब जितने भी बाइक्स मैंने अभी आपको वॉक अराउंड मैंने इस चैनल पे दिखाई हैं, वॉक अराउंड रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी एक्शन कैमरा वगैरह नहीं है, बजट काफ़ी टाइट है। सो एक्शन कैमरा जैसे ही आता है मैं तुरंत ही ड्राइव रिव्यू, जो प्रॉपर रिव्यूज़ होते हैं वो बाइक के मैं लेके आना शुरू कर दूंगा। सो स्टे ट्यून ऑन आवर चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर दिस वीडियो टू ऑल दोज पीपल जिनको भी कन्फ्यूजन है कि पल्सर N160 लें या फिर अपाचे RTR 160 लें। सो आप उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।